विशाल 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, रीजन क्या हो सकता है? खाना टाइम पे हम नहीं बना रहे, और कुछ पढ़ने लिखने आते हैं, सुनिए ना, नहीं, पढ़ने मिक्स लिखने तो आते लिखा हैं, हुआ है, छूने के लिए कैसे? मतलब मजाक नहीं उड़ाते, बस बोले ना। हम नहीं बोलेंगे हाँ प्रभु कुछ गलती हो गई, कि आप लोगों के साथ में खुशखबरी जो होता है ना, हम छिपाना नहीं चाहते हैं, हम शेयर ही कर देते हैं। सो यूज का मतलब ये रहा, अभी मतलब बच्चा हो और बच्चा खेले तो समझ में आता है, और ये फाइनली किसी के मुंह से निकला तो कि बनाते भी थे। वो अलग। सो आप बताइए। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल। सोना सिंह सोनू में, और हम चले गए थे आज बाहर अपने काम से, तो सोनाली बट की जाते बहन, वक्त सोनाली नहीं की नहीं दोस्त, नहीं सब कोई आई थी यहाँ पे, हाँ आया था लोग लेकिन जिसका हमको नहीं पता था, नहीं तो अगर पता होता कि घर पे साली आ रही है तो हम क्यों जाते? सच बताइए, हम सच बता रहे हैं, सच हम क्यों बताइए, जाते? फिर से कह रहे हैं सच बताइए। हम सच बता रहे हैं, हमको अगर पता होता कि हमारी साली घर पे आ रही है तो हम क्यों जाते? नहीं चलिए जाते, ठीक है, ये ठीक है। सच ही बता दिए। लेकिन ये बात क्यों बता रहे हैं? बिकॉज उन्होंने आया तो उनको पता नहीं क्यों इसमें ऐसा क्या दिखाई दिया कि उनको बहुत ज्यादा पसंद था। सो ये अभी हमारे सामने है तो इसके बारे में बात कर लेते तो हैं। ये अंकुश भाई, नहीं अंकुश भाई का नहीं, अंकुश भाई के बेटे जो ध्रुव है सक्सेना ध्रुव, उसका जब बर्थडे बर्थडे वाला हुआ था तो एल्बम है। उनका एल्बम था, वो एल्बम अभी तक यहीं पे है, सो कोई जाएगा तो लेके जाएगा, जस्ट बस इसका आपको झलक हम फर्स्ट आपको पे दिखा देते हैं, बाकी तो जब उनको मिल जाएगा तब आप देख लीजिएगा। उनके चैनल पे देख लीजिएगा, बाकी हमारे सोना सिंह सोनू फिल्म्स पे चले जाइएगा कि आखिर हम लोग किस टाइप का एल्बम, फोटो रील्स क्या क्या हाँ देते हैं। सो और इंस्टा पे भी हमारा पेज है तो वहां पे भी सब कुछ दिया हुआ है, किस टाइप सोना का सिंह वीडियो सोनू वगैरह है। फिल्म्स पे चले जाइएगा और वेडिंग से रिलेटेड सब कुछ वहां दिख जाएगा। बाकी आपको झोड़ा बोड़ा दिख रहा होगा इस साइड में, तो झोड़ा बोड़ा इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लास्ट वाले ब्लॉग में बात किए थे कि तीज नजदीक है और कुछ भी सामान नहीं और खरीदे। टाइटल में लिखा हुआ था कि हम तीज नहीं करेंगे बिकॉज पतिदेव हमारे शॉपिंग नहीं करवाए, तो नहीं अभी हम थोड़ा सा लेके, तो बदमाशी करते हैं हम, टाइटल को लेके थोड़ा बहुत कर देते हैं कभी कभी। तो वही टाइटल को हम देखे जब बाहर में थे, तो हमको लगा कि नहीं यार शॉपिंग करवा देना चाहिए। तो अराउंड कितना का खर्चा हुआ आज? आई थिंक 3,000। कमी बोल रही हो, थोड़ा ज्यादा हुआ है, बट अच्छा कोई नहीं, पैसा का बात इसलिए कर बिकॉज कमाई धमाई सोशल मीडिया से होना चाहिए, तभी खर्च होना चाहिए। चलो ठीक है, सामान दिखाना शुरू करते हैं। ये सबसे तो पहले ग्रोसरी का सामान है। इस चीज को हम बहुत दिन से चाह रहे थे यार कि ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, क्योंकि हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से हमारा जो साबुन है वो गल जाता है ऐसे रखे है रखे। साबुन है बट ऊपर वाले बाथरूम में जो कि हम यूज करते हैं। हाँ, और वो गल जाता है बार बार, तो इसलिए हम लोग को साबुनदानी भी चाहिए था। हाँ सो ये रहा, साबुनदानी आ गया, अब जो साबुन है बेचारा गलेगा नहीं। अच्छा, चलो इतना डिटेलिंग करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, मिक्स्ड पिकल। तुम वो वाला डब्बा नहीं लिया अचार का? डब्बा में पास था पहले से तो इसी को डिब्बे में ट्रांसफर करते बट हैं। इसमें तो लेमन जैसा कुछ लग रहा है, मिक्स ना हो। लेमन पढ़ने लिखने आता है, सुनिए ना, नहीं पढ़ने मिक्स लिखने तो आता लिखा है, हुआ है, उस पे भी मिक्स ही लिखा होता है। हाँ, बट ये बाहर से दिख नहीं रहा ना, उसमें दिख जाता है बाहर से ही कि एकदम लाल लाल है। टेस्ट चाहे जैसा भी हो, हाँ चलो ठीक है, ला दियो तो देखेंगे। सेम ब्रांड का है वो भी। और इसके बारे में क्या ही बात करें, सोनाली बोल दो बोल दो। नहीं हम नहीं बोलेंगे। इसका क्या है कि ये ओपन था और पैकेट वाला भी था, तो पैकेट वाला पहले लेके रख ली थी सोनाली, वो 160 का था, फिर गई तो ओपन में देख रही है 110 का है, तो उसको हटवा के और तब ये जाके जखवाई है। तो चलो ठीक है, बीवी ऐसी होनी चाहिए कि पैसा हर जगह बचे तो ठीक है, बाकी तेल को हम क्या ही दिखाए, रिफाइन है शायद, रिफाइन है। पता तो है, चलिए इसी बात पे आज सब आप ही बताएगा कौन क्या है। बाकी ये तो धनिया का हाँ पाउडर है, लिखा है, लिखा है वो आप उसपे। क्या देखिएगा, ये मैगी है, विशाल आजकल नाश्ता नहीं कर पा रहा है, भाभी जो भी बना रही है वो खा ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैगी लाया गया कि अगर भाभी के हाथ का नहीं खाना चाहे तो अपने हाथ का खा सकता है विशाल। सो इसके लिए, बाकी ये तो पता नहीं बासमती किसको पसंद है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, हैंड वॉश सच में मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल नहीं, है। और हम यहाँ पे आके घी खाना थोड़ा कम कर दिए थे, कम और क्या कर दिए थे यहाँ पे, एक भी बार अभी घी खाए ही नहीं है हम तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा दुबले हो गए हैं तो घी खा लेते हैं, लोग। चर्बी जो निकल ठीक गया है वो और ठीक मेंटेन रहे। बाकी किसको किसको पसंद है, चना का सत्तू, हमको सत्तू वाला पराठा पसंद है इसलिए हम चना का सत्तू ले लिए, अब सत्तू पराठा बन सकता है हमारे यहाँ पे। बाकी हम लोग पापड़ के लिए हर जगह जाते हैं लेकिन बट हर पता नहीं जगह क्यों, खरीदते नहीं है। आज फाइनली वो पापड़ मिल गया जो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, वो भोज वाला पापड़ होता है ना जो बड़ा बड़ा मूंग दाल का पापड़। आप लोग को कौन सा पापड़ पसंद है, मतलब आप ही बताइएगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ वही पापड़ पसंद है जो भोज में खिलाया जाता है, तो हम भी मार्केट से वही खोज रहे थे जो भोज में खिलाया जाए। बाकी ये तो सोयाबीन है, पहले हम बहुत ज्यादा खाया करते थे सोयाबीन आलू का सब्जी जब हम बैचलर थे, बिकॉज बनाना बहुत आसान होता था ओहो, तो हम बनाते भी थे, और ये फाइनली किसी के मुंह से निकला तो कि बनाते भी थे। वो अलग बात है कि अब मेरे नहीं सामने बना तो होता पाते है हैं। हम कभी बनाए हैं कभी नहीं।
बाकी आप लोग जो गरम मसाला खाते हैं वो किसका खाते हैं बताएगा, हम हम तो एकदम सच राकेश जी का बता रहे खाते हैं, हैं। कोई भी मसाला हो, खासकर ये चिकन मसाला, गरम मसाला, मटन मसाला, ये सब जो होता है ना, या फिर बिहार में कहें या कहीं भी, हमको सबसे ज्यादा राकेश ब्रांड का पसंद पड़ता है। हम पहले कोई नहीं, बट पोरबंदर हम में, लोग को एक भी रुपया नहीं मिला है उनसे प्रमोशन करने का, हम लोग अरे एक जस्ट अपना बात कह बताए। रहे हैं, बस पोरबंदर के थे बाकी ये ना, वाला बिस्किट किसको किसको पसंद है, डार्क फैंटसी, वो हम खाते ही नहीं है लेकिन सोनाली जबरदस्ती हम ही को खिला देती है लाके, है ना। अरे ये लाल मिर्ची किसको दिखा रही हो। यार बाकी नजर लगने के बाद क्या होता है, इसमें क्या है, उसमें सेजवान सॉस है। सेजवान सॉस, नाम से समझ जाएगा। बाकी ये सब जो चीज है ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता रहे कि ये चीज इसमें का आइटम इसलिए दिखा रहे बिकॉज ये सोनाली ऑनलाइन खरीद के लाई है, और ये सब हम इसलिए दिखाए ऑफलाइन क्योंकि खरीद आज के हम लाए। पे करके आए हैं, तो दोनों का हो जा रहा है इसमें। और बाकी आप लोगों के साथ में खुशखबरी जो होता है ना, हम छिपाना नहीं चाहते हैं, हम शेयर ही कर देते हैं। सो आज हमारे लिए, आज बोले या कल बोले, बट अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है आज का, जो हमें पता चला कि फेसबुक का हमारा ब्लॉग भी मोनेटाइज हो गया। वो अलग बात है अब नजर लग जाए तो उससे पैसा नहीं आ पाए, बट हमारा ब्लॉग भी मोनेटाइज हो गया। तो पहले हमें फेसबुक के सिर्फ और सिर्फ रील से पैसे आते थे, अब हमें फेसबुक पे ब्लॉग डालने के भी पैसे आएंगे। हाँ, और फिर आप लोग उसमें भी कुछ ना कुछ कर दीजिएगा, कोई नहीं, उसके बाद बाकी फिर ये बढ़ वाला जाएगा। रहा गार्नियर का फेस वॉश, जो कि हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी वाइफ लगाएगी बिकॉज अपना हमारे, रखा हुआ है दूध को उधर, तो उसका तो जिक्र नहीं हुआ है तो कोहल उधर वाला थोड़ी दिखा रहा है, तो हम इधर का दिखा रहे हैं ना कि इसमें। अब अब तुम नहीं है अपना आइटम उसमें, दिखा दो कुछ जल्दी से, नहीं है उसमें। अच्छा, ये ये वाला वाला आइटम तील दिखा दो। वाला है इसमें। मेन जो बात था कि इतना सारा आइटम, देखो इंसान को खरीदने एक आइटम जाता है, खरीद के 10 लाता है, तो वही चीज है कि हम लोग खरीदने ये गए थे और खरीद के इतना कुछ लेके आए हैं, तो ये एडिशनल चीज हो गया। सो इसके बारे में जान के कोई फायदा नहीं। उसके साथ साथ हमारे पास जो बेल्ट था वो पता नहीं खराब था, तो अभी हम नया में ये वाला बेल्ट लेके आ और गए हैं। ये देख के आप समझ गए होंगे, ये तीज वाला सामान जो कि छूने के लिए होता है, ये मतलब ये पूजा करके छू छुआ तो तुम जाता भी दे रहे, हम भी छू दिए, है। ऐसे मजाक नहीं उड़ाते हैं, हर चीज तो का कैसे छूने के लिए, कैसे मतलब, मजाक नहीं उड़ाते, बस बोले ना। हम नहीं बोलेंगे हाँ, प्रभु कुछ गलती हो गई, वो हमसे तो क्षमा करे। और अभी इसमें हमारा कुछ मतलब ये हमारे यूज का सामान है। यूज का मतलब ये रहा, अभी मतलब बच्चा हो और बच्चा खेले तो समझ में आता है, बट ठीक है हमारी बच्ची तो यही है, अभी कौन खेल रहा है, अभी कौन खेल रहा है, खुद हमसे तो खेल। फूके भी नहीं जाता। आपको आता भी है, देखिए लाइटली फूकना होता है नहीं, उसको, जब से जोर मेला नहीं। में सब भी सुनाली जाती है, इसको जब भी लेके गए हैं पता चला, देखो फूकने आ रहा है, आया आया आया, तो जब भी जाती है पता चलता है कि महंगा खर्च ना करवा के सिर्फ इसी में खुश रहती है, तो अच्छा है। बीवी ऐसी ही मिलनी चाहिए कि थोड़ा हल्का खर्च करवाए, वो अलग बात है इतना कुछ हो गया बट हल्का खर्च नहीं, ही। सब तो हम ही खा जाएंगे भाई। नहीं और कुछ है, नहीं, चलो मेन मुद्दे की बात करते हैं, हाँ क्या था। तुम गेस करके बताना, विशाल 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, रीजन क्या हो सकता है, खाना टाइम पे हम नहीं बना रहे, और कुछ, वो तो हम बता दिए हैं इसलिए, ऐसे भी हमको पता था, लेकिन हम नहीं बोल रहे थे कि फिर तो कहिएगा मम्मी लोग आई थी तो देखेंगे। मम्मी तो टाइम पे बना के दे रही थी, तब भी नहीं खा रहा था। बट मम्मी जबरदस्ती करके खिला रहे थे ना, अच्छा हम वो नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं विशाल भाभी से क्यों गुस्सा आया हुआ है कि भाभी के बनाया हुआ खाना 2 दिन से नहीं खा रहा है, अब इस बात का तो हम कुछ नहीं कर सकते, और पूछने जाओ तो कुछ बोलता भी नहीं है, तो गुस्सा गुस्सा में हम भी बोल दिए थे कि अगर नहीं खाना खाना है तो फिर जाओ नया गाँव, मम्मी पापा के साथ में ही रहना, हम लोग के साथ में रहेगा तो खाना खाना पड़ेगा टाइम से। अब भाई क्यों गुस्सा है आप लोग ही बताइएगा कि क्या हो सकता है, बाकी हम तो पूछते हैं तो कुछ गजब नहीं का बताए, बात है, लॉजिक है कुछ इस बात का कि आप लोग ही बताइएगा क्यों आपके गुस्सा भाई आ क्यों सकता है। गुस्सा है। ठीक हाँ तो अगर वो लोग कुछ गेस कर सके तो, हाँ है, आप ही लोग बता दीजिएगा इनके कि हिसाब क्या से। हो सकता है। चलो और कुछ है इस ब्लॉग में, बाकी कुछ, बाकी कुछ क्या, आप सामान खरीद लें। बाकी आप सोच रहे होंगे कि कपड़ा नहीं दिखाएं, तो यस कपड़ा हमारा यहाँ पे नहीं है, हमारे एक ससुराल पार्सल में है, दिखा दो सुनील, वो वाला पार्सल देना। तो वो तीज का नहीं है हाँ वो हमारा। ओपन नहीं करेंगे बट दिखा हाँ, देते हैं, एक कपड़ा हमारा आया हुआ है, ये सूट के लिए है। इतना मेहनत से कोई ऑर्डर करके खरीद के लाके दे दे, कौन किया, नहीं किया कौन कौन वो बता। पे आप किए, हाँ खरीदे तो हम ही थे, ऑर्डर तो हम ही किए थे। अच्छा, तो लड़की का काम सिर्फ इतना ही होता है कि देख के ऑर्डर कर देना, पे अगर हम किए तो खरीदे हम ही ना, बस इसको ओपन कर दो जल्दी से, ऐसा दिखा देते कितना हैं। सामान ना हम खुद पे करके, और रिफंड आपके अकाउंट में कितने बार चला गया, याद छोड़ो है। वो सब बात छोड़, चलो ओपन करके दिखा दो इसको एक बार जल्दी से, तब तक हम तुम्हारा माइक पर करते हैं। और ये वाला सोनाली ने खुद अपने लिए ऑर्डर किया और हमारे लिए भी एक कपड़ा आया था, मतलब ऑर्डर की है, लेकिन इसका पहले कपड़ा आ गया, हमारा लेट से आ रहा है।
इसका वाला पहले दिखा देते हैं कि इसका कपड़ा कैसा लग रहा है, और आप लोग बताइएगा। बाकी इसमें जादू देख रहे हैं, इसको ना तो हम फूक रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी ये पंखा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। बाकी ये आप बताइएगा गेस करके कि कब पहनने के लिए खरीदे होंगे। इसमें तो नहीं पहन रही हो ना? नहीं, ये फेस्टिवल में नहीं पहन रही हो। तो आखिर इसको कब के लिए खरीदने वाले खरीदा गया है, मतलब हाल फिलहाल में कुछ ऐसा है या नहीं है या क्यों? हमको लग रहा है कि पूरा दिख भी नहीं पा रहा, ऐसा समझ भी नहीं आएगा हमको, ऐसा लग रहा है ये थोड़ा गाउन टाइप का है ना, इतना समझ नहीं आएगा। बट इतना जान लीजिए कि यहाँ पे ये ऊपर का पोर्शन हो गया, बाकी हम पहनेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। तो बस इस वीडियो में रखते हैं यहीं पे, और मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारी मम्मी के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरने के लिए बहुत ही कम सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे सर्च करिएगा सोना सोनू के मम्मी और जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहीं पे। सो अब हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।